के बारे में बताएं। इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी और काफ़ी अच्छे से डायरेक्ट की है सिद्धार्थ सर ने। अच्छी स्टोरी है और हमें शूट करने में मज़ा आया, कुछ डिफरेंट है। वैम्पायर्स बने हैं इसमें, बाकी हमने अपना 100% दिया है। आई होप ऑडियंस को अच्छी लगे। आपको ये मूवी कैसे ऑफर हुई? मुझे साइबा का एक्चुअली कॉल आया था। साइबा एंड आई द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म साइबा सिक्का, वी बोथ हैव सम कॉमन फ्रेंड्स, तो आई थिंक उन कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू शी गॉट टू नो अबाउट मी एंड दैट्स हाउ दे अप्रोच्ड मी। तो मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे अच्छी लगी एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स गो फॉर इट। रोडी 7 से लेकर अब तक का सफ़र कैसा है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यू नो लाइफ में इतना इजी नहीं होता है, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब कुछ, बट देन टच वुड चीज़ें अच्छी जा रही है एंड आई होप एंड आई विश इससे और अच्छी हो। रणविजय सर के बारे में कोई खास बात? रणविजय, अच्छा रणविजय के बारे में मैं एक खास बात बोलना चाहूँगी, दैट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। आई रिमेंबर रोडीज के टाइम पे जब हम लोगों के टास्क होते थे, तो वो जो टास्क वहाँ पे होते थे ना, ही एक्चुअली यूज टू डू दोज टास्क बिफोर अस। वो ट्राई करते थे उन टास्क को और सेटिंग दादा वगैरह के साथ काम कर रहे हैं, वेरी हार्ड वर्किंग आए। सो आई थिंक रोडी से एक इंसान जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और हमेशा करूँगी इज़ रणविजय एंड आयुष्मान, बोथ ऑफ दीज गाइस अमेजिंग। सुयश के साथ भी आपके 2 सॉन्ग्स आए हैं, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है? बहुत अच्छा रहा सुयश और मैं। आई थिंक बॉम्बे में मेरा सबसे पहला दोस्त सुयश था, तो वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, वी स्टिल आर वेरी गुड फ्रेंड्स, बट हाँ उस टाइम हम बिल्कुल ऐसा बेस्ट बडीज थे। तो सुयश उस टाइम पे गाने गाता था एंड आई यूज़ टू टेल हिम कि और इंडियन आइडल में जाओ, यू सिंग सो वेल, ये वो। तो उसने मुझे एक बार बोला भी था कि कभी अगर मैं गाना गाऊंगा ना तो तू मेरे लिए एक वीडियो करेगी मेरे साथ। आई वाज लाइक या या। तो हंसी आती है सोच के कि हमने एक दिन ऐसी मजाक में ऐसी बातें की थी और सीरियसली एक दिन सुयश मेरे पास आया कि यार मेरा सॉन्ग करेगी, लाइक हाँ वाई नॉट। फिर उन्होंने सॉन्ग भेजा और फिर हमने शूट किया, बहुत मज़ा आया। इज़ अ फ्रेंड, तो केमिस्ट्री लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इवेंचुअली यू नो फ्रेंड्स के साथ आप कंफर्टेबल होते हो तो आपका काम हो जाता है। आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में? मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट सी अभी तो आज ही कल ही मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है एक निशा, जो पार्थ समथान के साथ है और वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और कल मेरी मूवी रिलीज़ हो रही है द लव बाइट्स और उसके बाद परसों से आई स्टार्ट शूटिंग फॉर वेब सीरीज़ जिसका नाम है कैसी है यारियाँ। तो अभी तो फिलहाल इन चीज़ों के साथ लाइंड अप हूँ। और उससे दिल्ली आए हैं आप, व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आपका? दिल्ली के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, आई माई सेल्फ आई एम अ नॉर्थ इंडियन, आई एम फ्रॉम शिमला और बहुत मिस करती हूँ मैं नॉर्थ का खाना, नॉर्थ के लोगों को वहाँ पे जब कोई मिलता है तो बहुत खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच दिल्ली, आई लव यू ऑल एंड या आई होप आप सबको हमारी ये फिल्म पसंद आए। प्लीज़ शेयर इट एज मच एज यू कैन एंड डू गिव अस योर फीडबैक। थैंक यू। Thank you.